जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो हमारे न्यू व्लॉग वीडियो में आप सभी के स्वागत है। मैं हर हूँ रमेश। तो बोल बे रे दांत दिखा भल्ले के दे। बस ये राजकुमारी है, उसको बस दांत दिखाने बस आती है इसको, और कुछ नहीं आता। तो मैं हूँ रमेश और ये है मेरी पत्नी राजकुमारी, और आज हम लोग आए हैं पंचदेव मंदिर का दर्शन करने। और ये जो मंदिर है वो है कवर्धा जिले के पास सारंगपुर ग्राम में। हेलो दोस्तों, तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और हम लोग आज आए हैं पंचदेव का मंदिर घूमने। और हम लोग अभी पंचदेव मंदिर के थोड़े ही दूर हैं, और आप यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा पेड़ के छाव में अभी खड़े हैं, और यहाँ से हम लोग अभी देख रहे हैं पंचदेव मंदिर को। और आप देख सकते हैं कि यहीं से पंच जो मंदिर है वो कितना सुंदर नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आगे चलते हैं मंदिर देखने के लिए, वहाँ क्या है और उसको दिखाएंगे आप लोग को। जी, तो चलिए जी, चलिए हम लोग चलते हैं पंचदेव का मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों मंदिर का दर्शन करने, और बहुत ही पास में ही हम लोग अभी बाइक से जा रहे हैं और थोड़े देर के बाद पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और श्री पंचदेव मंदिर का दर्शन करते हैं। हम लोग आ गए हैं अब सारंगपुर के पंचदेव मंदिर में, श्री पंचदेव मंदिर में, और हम लोग अभी अंदर जाएंगे और वहां पर श्री राम जानकी जी का दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी ले लिया है पूजा का सामान, अब हम चलेंगे सीधा मंदिर के अंदर। तो ये है श्री पंचदेव मंदिर सारंगपुर खुर्द, और यहाँ पर हमारा आज का ब्लॉग श्री पंचदेव मंदिर जी का मंदिर का दर्शन करना है। तो हम लोग आज इसका दर्शन करने आए हैं, जो कबीरधाम जिले का बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं पूरे मंदिर का। तो हम ना फाइनली दोस्तों आ गए हैं श्री पंचदेव मंदिर में, और इसे देखते ही दिल में बहुत ही खुशी का अनुभव होने लगा है, आप देख सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण 19 अप्रैल 2019 को किया गया था। अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर, और आप देख सकते हैं कि मंदिर का चारों तरफ छोटा छोटा पांच प्रकार का मंदिर बनाया गया है, इसीलिए इसको पंचदेव मंदिर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पांच प्रकार की देवी देवताओं का हम लोग दर्शन करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं श्री पंचदेव मंदिर के अंदर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा देवी देवता का छोटा छोटा मंदिर, पांच प्रकार का मंदिर है। जहाँ पर फर्स्ट है सूर्य मंदिर है, उसके बाद है श्री दुर्गा माँ का मंदिर है, उसके बाद है गणेश जी का, और चौथा है शिव जी का मंदिर है, और जो बीच में है हमारे ये वाला जो मंदिर है वो श्री राम दरबार जी का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग सारे मंदिर का दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माता दुर्गा रानी का दर्शन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रही है माता रानी। तो प्रथम मंदिर में हम लोग माता रानी का दर्शन किए हैं, और आप देख सकते हैं माता रानी कितना
भव्य और सुंदर लग रही है। तो अब माता रानी का दर्शन करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चलते। तो हम लोग अभी मंदिर का चारों तरफ भ्रमण करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे और माता रानी का दर्शन करने के बाद दूसरा मंदिर श्री शिव भगवान जी का हम लोग दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले नंदी जी का प्रार्थना करते हैं, उसके बाद शिव जी भगवान का दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि शिव जी यहाँ पर कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम लोगों ने शिव शंकर भगवान जी का दर्शन कर लिए हैं, अब जाएंगे हम लोग दूसरा मंदिर में। तो हम लोगों ने अभी तक दो मंदिर का दर्शन कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने माता रानी का दर्शन किया है और दूसरे में शिव जी का दर्शन किया है। अब हम लोग तीसरा मंदिर गणेश जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर गणेश जी का जो मूर्ति है वे हमें कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर प्रतीत होता है। और आपको थोड़ा ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरा हरियाली ही हरियाली है। और ये जो गांव है सारंगपुर, ये सारंगपुर में ये जो जगह है वो थोड़ा ऊंचे स्थान पर स्थित था, इसलिए यहाँ पर ये मंदिर का स्थापना किया गया है। और बहुत ही अपने आप में सुंदर प्रतीत होता है जब हम लोग बाहर से देखे भी हैं, आपको दिखाए भी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा मंदिर गणेश जी का दर्शन करते हैं, गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। तो ये है पंचदेव मंदिर का तीसरा मंदिर है श्री गणेश भगवान जी का, जो बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रतीत हो रहा है, आप सभी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी गणेश जी का दर्शन कर लिया है, मतलब पंचदेव मंदिर में हम लोगों ने तीसरा भगवान का दर्शन कर लिया है गणेश जी का। और अब चौथे मंदिर में जाएंगे, सूर्य देव का मंदिर। अब चौथे मंदिर का दर्शन करेंगे जहाँ पर है सूर्य देव का मंदिर है। तो हम लोगों ने अभी गणेश जी का दर्शन कर लिया है जो तीसरा मंदिर था। अब हम लोग चौथा मंदिर सूर्य मंदिर जा रहे हैं, जिसका अभी हम लोग दर्शन नहीं किए हैं और उनका दर्शन करना भी बाकी है। ये देखिए, ये है सूर्य मंदिर जो अभी घोड़े पर सवार है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। और यहीं पर टेके राजकुमारी भी देख रही है सूर्य भगवान को। और सच बताऊं दोस्तों, जितने समय से हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है और एक अंदर में खुशी महसूस भी हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर आज दर्शन करने आए हैं। तो चार मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब बचा है राम जानकी जी का मंदिर। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हरियाली आपको प्रतीत हो रहा होगा मंदिर के। और हम लोग एक बार बाहर से भी एक बार घूम लेंगे, चारों तरफ आपको दिखाएंगे कि मंदिर का बाहर का जो परिसर है वो कैसा दिखाई देता है। अभी तक हम लोगों ने मंदिर के अंदर चार और मंदिर है उनका दर्शन कर लिया है, अब करेंगे पांचवा मंदिर का जहाँ श्री राम जी का मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पांचवा मंदिर
श्री राम जानकी जी का भी दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है वो मंदिर। अब हम लोग श्री राम जानकी जी का दर्शन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग दर्शन करते, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना दिन भर भीड़ लगा रहता है श्रद्धालुओं का। तो अब राजकुमारी जी श्री राम जी का दर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता मैया चारों इस मंदिर में विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर प्रतीत हुआ यहाँ पर हमें ये राम दरबार का दर्शन करके। तो हम लोग अब पूरे पांचों मंदिर का दर्शन कर लिए हैं और सच बताऊं दिल बहुत गदगद हो गया है। तो हम लोगों ने अभी श्री पंचदेव मंदिर का दर्शन किए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोगों ने दोस्तों पंचदेव मंदिर का दर्शन कर लिया है और बहुत ही अच्छा अनुभव था यहाँ पर हम दोनों का, और घूमे चारों तरफ भी घूमे और सभी देवता देवी देवताओं का हम लोगों ने आशीर्वाद भी प्राप्त किए, दर्शन भी किए। और ये जो गांव में स्थित है ये मंदिर, वो उस गांव का नाम है सारंगपुर खुर्द, जो कबीरधाम जिले के बस जस्ट 6-7 किलोमीटर के अंदर में होगा। तो हम लोगों ने श्री पंचदेव मंदिर का दर्शन कर लिया है और घर जाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ तो मिल जाता है लेकिन भक्ति भजन ये जो चीज़ है वो कभी नहीं मिलता, और यही चीज दुनिया में सार है और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। सबको एक दिन चले जाना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।